अल्लाह सुब्हानहू ताला ने शैतान को मोहलत दी। जब उसको मलूम किया गया, निकाला जा रहा था, तो उसने मोहलत मांगी अल्लाह ताला से कि मुझे आप मोहलत दें, चांस दें। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, क़यामत तक तुझे चांस दे दिया, मोहलत दे दी तुझे। तो फिर उसने जो कहा बात, तो दुश्मन था हमारा, वो है अभी भी सख्त दुश्मन। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं भी तेरे बंदों की तरफ हर तरफ से हमला करूंगा, चारों तरफ से, दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ से उसका हमला करूंगा। ये स्टार्ट है हमारी जिंदगी की, जो हमें समझना चाहिए, इसका मेन पॉइंट है, यहाँ से काम सारा शुरू हुआ है। मोहलत भी मिली इसको एक किस्म का, तो उसने फिर ये कहा कि ठीक है, जब मोहलत दिए तो फिर मैं ये काम करना है मैंने कि किसी बंदे को तेरे मैं इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि वो ऐसा हो जाए कि जो जन्नतें तूने उनके लिए बनाई हैं, यहाँ से तुम मुझे निकाल, जन्नत में हो जाए, उनके चहनों से भर दूंगा सारे तेरे लोगों को। तुमने ताकत दे दी, अब मुझे तुम दाएं से भी आऊँगा, बाएं से भी आऊँगा, आगे से भी आऊँगा, पीछे से भी आऊँगा, और हर हमला, हर चीज़ का जो मैं इस्तेमाल करूँगा। कहा तो शैतान, तो राजपति पता गया अपना, क्योंकि मैं उन पर हमले भी करूंगा, मेरा पहला हमला जो होगा उनका, अब ये सुनने वाली बात है इसकी, पहले जो हमला मेरा होगा ना वो क्या होगा, बोला ताजदो अक्सर हम शाकर अल्लाह ताला, पहला हमला ये होगा कि उसको तेरा नाशुकरा बनाऊंगा। मेरे भाइयों, ये है हमारा दुश्मनी है शैतान की। तो सबसे पहली चीज उसने जो करता है ना इंसान के साथ, उसको नाशुक्रा बनाता है। नाशुक्री जो है इतनी बड़ी गुनाह है, उसने और किसी गुनाह का नाम लिया, हालांकि गुनाह तो आप देख लें कि बड़ी बड़ी गुनाहों से दुनिया, कैसे कैसे गुनाह होते हैं, कत्ल भी होता है, और कैसे कैसे दुनिया के अंदर हालात हैं कि आदमी कांप जाता है गुनाहों को सोच के। लेकिन एक गुनाह का सब कहा, और वो गुनाह कौन सा कहा, ना शुक्र बनाऊंगा तेरे, जानता तो था अल्लाह, तो बहुत गरीब था अल्लाह, सब पता था कि अल्लाह को गुस्सा किस चीज से आता है सबसे ज्यादा, उन्हें सुबह अल्लाह सुन लें यार, तो सबसे ज्यादा गुस्सा अल्लाह किस चीज पर आता है, जब बंदा ना शुक्र हो जाए, नाशुक्री अल्लाह को पसंद नहीं है। तो उसने उसी चीज को पिक किया जो खुद उसने वो काम किया ना, जो उसने खुद काम किया था, उसे पता था जो सजा मिली है इतनी बड़ी, जन्नत से निकाल दिया गया, हमें जलील कर दिया गया, मलून कर दिया गया, तो सिर्फ किस गुनाह से मिली है कि मैंने अल्लाह की नाशुक्री की है। तो कहना यही फेल जो है ना, इसका बदला लूंगा मैं, नाशुक्री करूंगा। तो इसका मतलब बाकी गुनाह तो फिर किस तरह हुए, बात ये बनी कि सारे गुनाहों की जड़ है वो क्या है, नाशुक्री। जिसको अल्लाह का ये शैतान नाशुक्रा कर देता है ना, तो समझो सारे गुनाह उसके अंदर आ गए,
और फिर उसका काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे होता है पहले मेन काम तो हेड करते हैं ना आगे, फिर अपने असिस्टेंसी के ऑपरेशन कर रहे हैं कोई सर्जन बहुत बड़ा आगे मेन करे, फिर जो छोटे डॉक्टर उनका चलो तुम काम करो उसी ने कर, वो चला जाता है साइड पर हो जाता है, फिर सब दूसरे काम कर रहे होते हैं। तो ना शुक्र करने में इंसान की सबसे पहला काम खुद के करते ही हेड करता है शैतान। जब हो जाता है ना काम, कहता है बाकी अब काम तुम ही करते रहो, लगाओ इसको, घुमाओ इसको जितना घुमा सकते हो, असल काम जो है मैंने इसका कर दिया है, ना शुक्रिया। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इंतजाम किया मेरे भाई, शैतान को जवाब दिया। क्यों? कि एक मलून को इतनी ताकत दे दी कि आगे पीछे सब जगह से हमला भी करेगा, वो नाशुक्री बनाएगा, तो क्या अपने मानने वालों को फिर ताकत नहीं देगा? वो वैसे छोड़ देगा, कहता ठीक है शांत तू भी कर अपना काम, छुट्टी मैंने दी ना तुझे, लेकिन मैं भी रब हूँ और रब भी उनका जो मुझे मारने वाले हैं। ये ना समझ के मैं उनका जमीन पे बेच दिया तो छोड़ दूंगा, नहीं 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 छोड़ूंगा कैसे, क्योंकि मेरे मानने वाले हैं, बल्कि उनका तो ज़्यादा काम है। जितना मुशक्क़त में कोई मानता है अल्लाह उसको ज़्यादा कदर करता है, जितनी तकलीफ में आगे अल्लाह को मानता है आदमी, तकलीफों में मुशक्क़तों में परेशानियों में, निशाना सामने खाना काबा है तो सऊदी अरब में दूसरा काम क्या है? सीधे करना है ना आदमी के लिए, तो आप ही करना होगा ना। लेकिन जहाँ गुना ही गुना हो जिस जमीन पे, वहां पांच वक्त सीधे करना काम बनता है ना इंसान का, सुभान अल्लाह, बड़ी ऊंची बात। कहता ठीक है मैं फिर इनाम भी वैसे ही दूंगा, तो कहने का ठीक है मुझे तू समझता उनको वैसे ही छोड़ दूंगा, तो अल्लाह ने इंतजाम किया। कहते मैं अपने बंदों को भी फिर एक पूरा साल तू मेहनत कर जितनी कर सकता है, लेकिन एक महीना ऐसे दूंगा सारी माफ कर दूंगा। सारा साल जोर लगाएगा, एक आदमी को जहन्नुम तक पहुंचा देगा, ना शुक्र बना के पितरे चेले उसको हर ऐब में घुमा देंगे, हर चीज में कर देंगे, लेकिन मैंने भी एक महीना रख दिया फिर अपना, कितना अल्लाह करम दोस्त। हदीस में आता है कि सबसे बड़ा महरूम वो है जो इस महीने भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया, और ना शुक्र आया था और ना शुक्र चला गया। तो हमने इस महीने में सबसे बड़ी चीज जो हासिल करनी है क्या है? बाकी छोड़ो सब चीज, सबसे बड़ी चीज जो हासिल करनी है इस महीने का जो रूह है ना वो क्या है? शुक्र है। सारी बात शुक्र क्या होता है, नाशुक्री क्या होती है? देखें हम क्या नाशुक्री करते हैं अल्लाह ताला की। नाशुक्री आती है किसी नेमत किसी इनाम के बदले आदमी उसको गलत इस्तेमाल करे, ये नाशुक्री कर रहे हैं ना उसकी। आपको बहुत बड़ी गाड़ी दी जा रही है, आप मारते हैं द्वार पर टक्कर, हो गया तो बड़ा नाशुक्र है। बाप कहेगा तो खुद कमाता ना, पैसे लगाता तुझे पता लगता, तो कदर नहीं की इस चीज़ की। होता ना ऐसा, आपने कोई चीज़ ली बाप ने आपको दिला दी या किसी ने, आके देखा ये क्या किया तूने काम, मैं तुझे दुकान दिलाई थी तो तुम दुकान का हाल क्या किया, वो क्या कहेगा? ना शुक्र किया ना तुमने, ऐसे ही है ना। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी नेमतें लातासू, तुम गिन ही नहीं सकते उसकी तादाद को। मेरी नेमतें तो इतनी हैं जो मैं तुम्हें दी भी हैं, उसको तुम गिन ही भी नहीं सकते हो। सोचिए जरा, ऊपर से नीचे तक तुम्हें डांपा है मैंने नेमतों के अंदर। शेख साजी फरमाते हैं कि बाकी किन नेमतों को गिनना है तुमने, सर ये सांस ही देख लो अपना, एक सुभान अल्लाह, एक सांस ही देख लो कि जब सांस लेते हो तो सांस ऊपर जाता है और फिर होता है नीचे जाता है, तो जब ऊपर जाता है सांस तो इतनी बड़ी नेमत है कि शुक्र ऊपर चला गया, अब वहां रुक जाए मैं खत्म आदमी। उस सांस को नीचे करने के लिए डॉक्टर पूरा जोर लगाते हैं, ऊपर जंप मारते हैं, पता नहीं क्या कर मशीनें लगाते हैं कि नीचे आ जाए सांस उसका, लेकिन जब ऊपर चला गया वो जो जब नीचे नहीं आया तो समझे खत्म हो गया। तो समझे ऊपर जाता है सांस, उसका शुक्र इंसान किस तरह अदा करे, और ऊपर से नीचे आ जाए उसका शुक्र कितना अदा कर सके, कि सारी जिंदगी हम अल्लाह का शुक्र इन दो सांसों पर इंसान करता रहे तो शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो हमें तो आम इंसान के अल्लाह ताला कहते हैं आम इंसान को ठीक है काफिरों को खिलाते तुम भी खा रहे हो, पानी की नेमत है वो भी पी रहे हैं तुम भी पी रहे हो,
कोई बड़ी नेमत नहीं, क्यों काफिर तो ले रहे हैं नेमत, इससे बड़ी क्या नेमत, खाना पीना कपड़े चाहिए सब कुछ, ना फरमान भी कर रहे हैं तुम्हें भी दे रहा, मतलब ये नेमत तो आम है। तो मोमिन को ना जो कि ये तो नेमत मैंने हर एक को दी हुई है, ये नेमत कोई नेमत नहीं है कि तुझे दुकान मिल गई, मकान मिल गया, खाना मिल गया, रोटी मिल गई, तो ये काफिर भी इंजॉय कर रहे हैं। असल नेमत जो है अल्लाह ताला देता है, तो सबसे बड़ी नेमतों में से नेमत है, सबसे बड़ी नेमत वो ईमान है, ये काफिर के पास नहीं आ सकता। ये क्या है? ईमान है। इस दौलत का तो कोई मुकाबला है ही नहीं, बहुत ही दुनिया सल्तनत लेके चला जाए सब कुछ, लेकिन जो ईमान है इसका तो कोई मुकाबला कोई नहीं है। कोई आके आपके सामने कहा देख यार मेरे पास इतने मकान है, मेरे माँ तू जो फकटर फिर है तेरे पास क्या है? कहते जी मेरे पास ईमान, ईमान क्या, ईमान क्या? अल्लाह कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे, ईमान का बदला जो है ना अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि इसका बदला ऐसा है कि ना तुम सोच सकते हो ना महसूस करते हो, ना दिल भी सोच सकता तुम्हारा है क्या, क्या हूर मिलेगी तुम नहीं सोच सकते, क्या मकान मिलेगा तुम सोच भी नहीं सकते वो क्या होगा, वहां ख्याल भी नहीं जा सकता उस इनाम इस ईमान के बदले में अगर तुम इस ईमान के साथ आ जाओगे। तो उस वक्त पता चलना कि तुझे कि ईमान कितनी बड़ी दौलत थी इंसान के लिए। तो हम तो हैं ईमान वाले भाई, अल्लाह ने तो हमें सबसे आला ऊंचे दर्जे पर जो एक दौलत नवाज है, एक काफिर को दुनिया दे दे सल्तनत दे दे कभी ईमान वाले का राल नहीं टपकनी चाहिए उस पर कि इसको इतना मिला। अक्सर लोग बाजी कहते हैं यार मुसलमानों को क्या है देखो क्या बुरे हालात हैं, ये मजे कर रहे हैं, ये देखो सब कुछ कर रहे हैं, तो इनके मजे क्या हैं, इसके मजे आर्जी हैं, लेकिन ईमान वाले का मजा ऐसा है कि जिसका तसव्वुर कोई नहीं कर सकता। और इसी वजह से तो ऊंचा काम है इसका, अल्लाह ताला कहता है इसी तो ऊंचा काम है कि इसने ना जन्नत को देखा है, ना औरों को देखा है, ना इसने वो मकान देखे हैं, ना महल्लात देखे हैं, इसने तो मेरी बात पे सिर्फ एतबार करके ईमान ले आया मुझसे, सुभान तू देख रहा है मकान भी देख रहा है, सल्तनत भी देख रहा है, सब चीज़ देख रहा है, लेकिन उसने तो कुछ देखा ही नहीं है। कमाल तो इसका है कि बगैर देखे इतना यकीन कर लिया कि उसने सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया अपने, सुभान बस ऐसी छोड़ दूंगा, कितनी बड़ी नेमत थी। लेकिन पता चला कि शैतान जो है वो किस चीज पे डाका मारते हैं, हमारे ईमान पे डाका मारते हैं, सीधा हमला उसने ईमान पे करना है इंसान के, किस तरीके से करेंगे, ना शुक्रा बनाएगा ईमान की वजह से, ईमान के अंदर ना शुक्री डाल देगा, ना शुक्री पैदा होगा। तो अब ये है ईमान का मामला, ना शुक्री मैंने बताया ना आपको कि जब किसी चीज की कदर ना करे आदमी, अब्यूज करे उसको, उसको बुरा हाल करे, उसको कदर ना करे, जब इंसान ईमान की कदर नहीं करता ना, कैसे नहीं कदर ही करता, क्या ना शुक्रिया ईमान की, अल्लाह के ईमान जो हमें दिए इसकी ना शुक्रिया है कि हम उसकी नाफरमानी करें। जब इंसान नाफरमानी करता है तो ईमान की ना शुक्री कर रहा होता है, वो याद रखे, जब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा होता है, अल्लाह के हुक्म को टाल रहा होता है, तो उस वक्त की वक्त में क्या कर रहा है, वो उस नेमत की जो अल्लाह ने उसको नेमत अजीम दी है उसकी वो नाशुक्री कर रहा है। सबसे बड़ा इसका यह नाशुक्री है कि वो अल्लाह ताला के ईमान के बावजूद, ईमान अल्लाह ने उसको दिया वो अल्लाह का मान कहना नहीं मान रहा, अल्लाह के अहकाम में नहीं चल रहा, बल्कि क्या है उसके मुकाबले में अपने नफ्स पर चलता है, कुछ माना कुछ नहीं माना, कुछ कर लिया कभी नहीं किया, कभी सोच लिया कभी नहीं सोचा, हाँ गलती से हो जाए अल्लाह ताला ने बड़ा इनाम रखा, गलती से एक गुनाह हो गया इंसान से इस्तग़फ़ार कर ले साफ कर देगा, फिर ईमान वहीं आ जाता है। लेकिन वो इस परवाह ना करे इस चीज़ की कि चोरों जी क्या है, दुनिया में भी रहना है, हम दुनिया में काम भी करना है, फला भी हमने करना है, यार कैसे रह सकते हैं, ये तो भाई
पुराने लोगों का हमें धके श्लोक थे, अब साइंसी दौर है, अब साइंस जमाने में ऐसा हम नहीं कर सकते। आजकल है या नहीं है ये क्रिटिसिज्म होता है इस चीज़ में इस्लाम पर सबसे ज़्यादा, या दकियानूस हैं ये तो बेवकूफ हैं, पीछे लोग हैं, पीछे से जाने वाले लोग हैं, हम नई तहजीब पर चलने वाले लोग हैं। ये इम्तहान हैं ईमान वालों के लिए बहुत बड़े कि कैसे स्टैंड करते हैं इसमें। तो जिस वक्त इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर जाए, नाफरमानी इतनी सी हो या इतनी सी हो, अल्लाह की नाफरमानी तो एक लफ्ज नुक्ते के बराबर भी नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, कितनी बड़ी भी नाफरमानी करते हैं, हर हुक्म देखने हलाल हराम सब मिक्स, कुछ पता नहीं, जो मर्जी से किया जो छोड़ दिया, ख्वाहिशात के गुलाम, हमारे लिए तो सीखनी है चीज। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है कि ईमान होने के बावजूद इंसान नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजार रहा है। सिर्फ यही तो नहीं ना नमाज पढ़ लिया आपने, अल्लाह के तो बहुत अहकाम है, थोड़ी देर के अल्लाह ने रखा है कि स्टेज के लिए हमने तुझे रखा है कि मुझे मान जा, मानना का मतलब ये है कि तू मेरी बात मान जिस तरह मैं तुझे कहूँगा, मेरे अहकाम आएंगे, मेरे नबी आएंगे, वो तुम्हें बताएंगे, तुम उसके मुताबिक काम करना। जब तुम भूलोगे, नबी ख़त्म हो जाएंगे, तो औलिया अल्लाह को भेजूंगा, उनका सिलसिला चलाऊंगा, जो मेरे दोस्त होंगे तुमसे बैठ के घरों की बातें थोड़ी करेंगे, दुकानों के कारोबार में बातें थोड़ी करते हैं नबी। नबी तो आखिरत की फिक्र दिलाता है, अल्लाह से मिलाता है, कौड़ी हो या मीठी हो उसको तो फिक्र नहीं ना कि कोई नाराज होता है कोई ठंडा होता है। अबू जहल को नाराज हो जाएगा तो बहुत बड़ा आदमी है, फला ये बड़े बड़े जो कुफार थे, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, कुल ला इल्ला, बस अल्लाह इल्ला बोलो तो कामयाब हो गए, रिश्ते तो जाने वाले तो कोई नहीं, अपना काम करो, तुम अपना काम करो, सबसे बड़ा रिश्तेदार मेरा वो होगा, बेशक बलाल बन जाए मेरे रिश्तेदार तुम, सुभान अल्लाह। तो उसके लिए निशानी ये हो जाएगी, देख ले कि बड़े बड़े अबू जहल जो बड़े खानदानी बनते थे, फरमाया कि बलाल गुलाम ने मेरी बात अगर मान ली जो मैं पैगाम दे रहा हूं, तो उसका मुकाम ये होगा कि चलेगा आसमान जमीन पर तो आसमानों पर उसकी आवाज चल रही है कदमों, उसका मुकाम ये होगा कि सबसे पहले जन्नत में जाएगा मेरे से भी पहले। वो कैसे, फरमाया कि मेरी ऊँटनी का जो लगाम होगी उसके हाथ में होगी, जब आगे जाएगा तो जन्नत में वो घुसेगा पहले। क्यों, वो कहाँ ऊंची कदर नहीं, जब उसने क्या किया इतना मुकाम, कितना मुकाम, ऐसे होगा कलमा पड़ेगा, कलमे के फिर ना हिफाजत भी करेगा वो ईमान की, ना शुक्री नहीं करेगा, क्यों, उसको कोलों पर लिटा दिया, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, रेत भी लिटा दिया करे ला इलाहा इल्लल्लाह, खाल उधार दी कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कर रहा था उस वक्त, क्या कर रहा था, शुक्र कर रहा था कि अल्लाह तूने ये नेमत दी है, मैं इसको जाहिर नहीं करूंगा, ये शुक्र है तेरा। ये जी इबादतें हम अल्लाह पाक ने हमें दी ना, जाके फजर की नमाज पढ़ते हैं, ये शुक्र है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तेरा, इस मैं रात को बेईमान नहीं हुआ, नेमत ईमान के दिए तो मैं तेरा शुक्र कर रहा हूं। तो वो लोग जो फजर नहीं पढ़ते उनके ईमान गायब, सुन नहीं बात, ये खेल नहीं है दीन, ये दीन खेल नहीं है, हदीस नहीं कि जो सुबह काफिर होगा तो शाम को मामले, जो शाम को मामले तो सुबह को फिर आँख नहीं खुली जी। वो तो एक चीज़ है कि आदमी बीमार है, उसने पूरे अलार्म लगाए हैं, सब कुछ किया है, उठना चाहता है लेकिन नहीं उठ सका, वो तो माफ़ है, बल्कि उस पर तो इनाम रखा है कि दो स्वभाव है तेरे, सोने के भी इबादत के भी, अल्लाह तो हिसाब से चलते हैं। तेरे बेटे ना अजी छोटा है जी पढ़ लेगा जी, इसने सुबह काम पे भी जाना है जी, यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, फॉर्म आ जाएगी, नहीं नहीं इसको आप हर वक्त डांटते रहते हैं, और आप खाम का तंगना किया करें, पढ़ाई लिखाई में लगा है तो नमाज पढ़ लेगा जब वक्त आएगा इसका, पढ़ लेता है जब टाइम होता है, देख लेता है, फौरन बीवी आ जाएगी, वो भी बेचारा गया, वो भी नीचे टक गया, मुड़ चल 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 सही है पढ़ाया कर यार नमाज तुम यार, वो काम पे ना जाए तो मियाँ बीवी दोनों जोर लगाएंगे, कम तो नहीं गए, शर्म तो नहीं हलते, काम नहीं शुरू किते, वेला बैठा रहता, क्या करेगा दुनिया में, कमाएगा नहीं, तो जब ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो वो नहीं बनेगा तो क्या होगा, हर तरफ से लानते पड़ेंगे उसको, ये कुछ करता भी नहीं करता, ठीक आज तक कोई नहीं पूछता तेरा बेटा नमाज पढ़ता भी नहीं पढ़ता। बाद लोगों में आदत होती, मेरा बेटा जी फला, एक किसी बेचारा फकीर सा आदमी था,
फकीर खुद नहीं बनते, उसने दुनिया को छोड़ा था। बताओ क्या, दुनिया को छोड़ना कुछ नहीं, नाफरमानी नहीं करना चाहता था अल्लाह की, नाशुक्री नहीं की थी ईमान की उसने। तो वो एक दुनिया, ये मेरा बेटा फला है, मेरा बेटा फला है, मेरा बेटा फला है, जी आपके बेटा क्या है, उसने मेरा बेटा तो मौलवी है जी, जो कुछ पढ़ा लिखा देते क्या आप लगा दिए मौलाना बना दिया इसको, कुछ कुरान पढ़ा देते आप, कुछ कर लेते क्या नमाज, आप तो खाएगा कहाँ से। तो भाई ये क्या है, ये थिंकिंग से हमारी कि ये ईमान है, मुझे बताया। तो ईमान की नाफरमानी ये है कि जब इंसान ईमान कि शुक्र यह है कि आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं, जैसे बिलाल ने की थी, जैसे सहाबा ने की थी, औली अल्लाह ने की थी, उसको कहते हैं छोटी छोटी बातों में भाग जाना, ना हराम का पता, ना हलाल का पता, ना इसका पता, घबरा जाना जी फला हो गया, ये हो गया, ये टेस्ट हैं। मैंने बताया ना आपको, सारी इबादतें जो दी हैं कि अल्लाह ताला क्या देखता है कि शुक्र कर रहा है मेरे ईमान का या नहीं शुक्र कर रहा। पाँच पांच वक्त दे दिए शुक्राने की, मेरी मेरे ईमान का शुक्र कौन अदा करता है। वो कह देता भाई घर पढ़ो, दुकान पर पढ़ लो, नमाज घर पढ़ लो, ठीक है तुम परेशान फला जगह पढ़ लो, नहीं। उसने कहा अगर जिसने शुक्र अदा करना होगा ईमान का, शुक्र गुजार बंदा वो होगा कि जैसे ही फजर का टाइम पूरे घर के जवान मर्द और बच्चे भागते हुए आएंगे, और जो नहीं जाएगा वो ऐसा होगा कि जैसे बस उसको उड़ा दिया जाए। जिस तरह उस पर तो हदीस है मुख्तलिफ फुकाह की कि ये तो कैद कर दो, कोई कहते इसको मार दो, कोई कहते इसको फला कर दो, अल्लाह के नबी कहते हैं उनके घरों को जला दो। क्यों? कि वो बेईमान हो गया है। यह शुक्र इबादत जो दी है ये शुक्र दी है, हज जो हम करते हैं ये इबादत शुक्र है, ईमान की इबादत है। ये जितनी भी इबादत दी है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हमारे शुक्र को अदा करती है। ये अल्लाह बाकी फरिश्ते गवाह होते हैं कि जो तुमने इनकी इनाम नेमत दी थी इसका शुक्र अदा कर रहे हैं। तो इसकी मामूली चीज ना समझा करें अपने घरों से कि कोई नमाज नहीं पढ़ता, आप समझे बस कुछ भी नहीं है। बच्चों की तरबियत आपने की है, आपने करनी है, वो अनफुसकुम आपसे पूछा जाएगा। जिस तरह आप यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भेजते हैं, पढ़ाते हैं, इधर उधर करते हैं, या कोई तकल्लुफन किसी को मौलवी बना दिया, फिर फिक्र यही खाएगा कहाँ से, पहेगा कहाँ से, करेगा क्या। ये तबक्कल हमारा कि गलत काम कर लिया मैंने, अब क्या करूं, अब उसको दुनिया की तब धकेलूं या कुछ करूं। कोई नमाज का फिक्र नहीं है हमारे घरों के अंदर। याद रखें जिन घरों के नमाज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो कौन लोग हैं, कुफर के नजदीक हैं वो, क्योंकि ईमान की गवाही नहीं है उनके पास, वो नेमत को ठुकरा रहे हैं। कोई भी हो उसमें किसी दर्जे का हो। अब ये नहीं कि एक आदमी बहुत इलम सीख लिया, सब कुछ कर लिया, नमाज वो घर पढ़ लेगा, उसी बख्शा क्यों जी, वो तो बहुत बड़ा आलिम है, वो तो बहुत बड़ा हाफिज है। उनकी सजा क्या है कि उसको बाद में सजा मिलेगी, उनको पहले सजा मिलनी है, डबल मिलनी है। जिस तरह ईमान वाले को शुक्र करने पर डबल मिलेंगी ना जन्नतें, ऐसे लोगों को जो ज्यादा जानते हैं, जिन्होंने असूल किए हैं बातों से, उनको सजाएंगे डबल मिलेगी, डबल जहन्नुम मिलेगी लोगों, बल्कि वह ताने मिलेंगे उनको, तुम्हें शर्म नहीं आई, कुरान पढ़ा सीने में कुरान उतारा, उसके खिलाफ चले तुम, अपने बच्चों को उसके खिलाफ तुम तरबियत दी, उन 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 लोगों की नकल सिखाई इनको, उन गैरों के साथ तुमने तहजीब दी उनको। भाई कॉम्प्लेक्स में ना जाए इंसान। अल्लाह के नबी ने ये कहा कि हाँ ठीक है वो जहर इतना बड़ा अमीर सब कुछ है, लेकिन मेरे साथ कोई गरीब भी लग गया तो वो चांद सूरत बन जाएगा, तुम नहीं देखा होगा रोज़े क़यामत में देखा होगा मेरे बलाल को कैसा चमकता है उसका चेहरा। मेरे भाइयों दीन को समझें। आज अगर हमें कहते प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ी तकलीफ है, तो ये तो तकलीफ है, यही तो आजमाता है इंसान, कहते हैं दोस्त वो जिसको आप आजमाएं तो पूरा उतरे। बोले सुभान अल्लाह, यार मैं तो बड़ा दोस्त हूँ फला दोस्त हूँ, आजमाओ तो सही, कुंडी खड़काऊँ आज ही यार 500 पाउंड चाहिए मुझे दे दे, यार 500 पाउंड मैं तो यार बिजनेस ही मेरा बह गया यार, उधार देना सी उसने मेरा दिया ही नहीं यार, बच्चे की फीस भी मैंने देनी है, मैं होता नहीं रियली मैं तुम जरूर देता यार, कहते यार मेरा बहुत मुश्किल है, मेरे बच्चा बीमार है, तुम दे दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा दो हफ्ते में।
कहते जा मैं किसी से पूछता हूँ चले यार, तो बड़ा अफसोस यार क्या हुआ तेरे बच्चे को यार, बड़ा यार मेरे तो दिल फट गया यार जी, ये पैसा नहीं निकल रहा। अरे मैं इसमें दोस्त होते अल्लाह ताला भी कहता है कि तू जो कहता है मैं ईमान वाला हूँ तो बहुत बड़ी चीज़ है, तू कह रहा है ईमान वाला है, बहुत बड़ी तुझे नेमत दी है हर ईमान वाले को, तो मैं सारी जिंदगी तुझे आजमाता रहूंगा कि वाकई ये मेरा दोस्त है या नहीं है। कभी भूख से तुझे आजमाऊंगा तो भागना ना भूख से, समझना मेरा रब मुझे आजमा रहा है लेकिन मैंने टलना नहीं, क्योंकि ये तो उसका वादा है कि मैं उसका महबूब हूं, मेरा महबूब है। ये ना कहना कि कभी मुंह से तुम्हारी निकल जाए देखो यार काफिर मजे कर रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो ये कर रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, या कोई नाफरमान यार देखो ये मजे कर रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, कभी जहन में ये ख्याल भी आ गया तो बर्बाद हो जाओगे, जान रखो जहन में ख्याल भी आ गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला कहते हैं मैं भी तो अपने दोस्तों को आजमाता हूँ ना कि कितना फिर क्या है कि सुभान अल्लाह कितना सेफ कर शुक्र तुम लाजि दोनों कहता है कि जब बंदा मेरे ईमान पे शुक्र करता है क्या कि नाफरमानी से बचता है, नाफरमानी को जब तर्क करता है, हर नाफरमानी पर देखें अब इनाम अजीब इनाम है, शुक्र तुम लाजि दोनों कि जब कोई मेरे शुक्र करता है तो मैं उसको उस नेमत को और बढ़ा देता हूं। हम यहीं तक समझे अभी, जब खाना खाओ तो शुक्र को खाना और बढ़ जाएगा है, हजरा फजल रबी लिख देते हैं दुकान के ऊपर अल्लाह का फजल है, ऐ काम करो शुक्र और मिल जाएगा, ये नहीं है, ये ईमान की बात हो रही है। अल्लाह ईमान की बात कर रहा है कि सुभान अल्लाह जब तू एक ईमान पर मेरी नाफरमानी से बचाएगा अपने आप को तो उस नाफरमानी की बजने की वजह से मैं तेरे ईमान को और आगे बढ़ाता हूँ सुभान अल्लाह, और जितना तू बचता जाता है उतना ही मैं बढ़ाता रहता हूँ, हत्ता कि तू इतना करीब आ जाता है कि मैं बन जाता हूँ तू दू बन जाता है। ये है इसका जो मामला है हकीकत में, हम समझते हैं खाने पीने शुक्र नहीं, लाजिद कम शुक्र तो कम कौन सा शुक्र और कहाँ बढ़ रहा है शुक्र कि इसने ईमान को ईमान बचाया है, नाफरमानी से अपने आप को बचा लिया, गुनाह का तकाजा था उसने गुनाह से अपने आप को रोक लिया, तो हकीकत में क्या किया है इसने अल्लाह की उस नेमत को बचाया उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। जब आप किसी नाफरमानी से बच रहे हैं ना हकीकत में वो क्या कर रहे हैं अल्लाह की उस ईमान का शुक्र अदा कर रहे हैं, उस नेमत से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि क्या है अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत हमें दी है उस नेमत का आपने शुक्र अदा किया है, तो कहता है मैं उस नेमत को बढ़ाता हूँ तो ये बढ़ता चला जाता है, तो कुफर तुम लेकिन साथ ही क्या कुफर तुम, उसको क्या है कि शुक्र तुम कुफर तुम, जो इनकार करता है जो नाफरमानी करता है और मेरी जो नेमत है ईमान की गुनाह करके नमाजें छोड़ के हराम काम करके बुरे काम करके हलाल को हराम बना के मैं मजबूर हूँ मैं फला करके कहता है अपने आप को मुसलमान है पढ़ता भी कलमा मेरा है, ये मुनाफिक झूठा है अल्लाह ताला कहता है क्योंकि मैंने उसको आजमाया है मेरे दोस्त है ही नहीं भग गया, कुफर तुम जो इनकार करता है इसका फिर क्या है इन अजाब शदीद अजाब नहीं क्या 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 है शदीद, शदीद कहता है अनलिमिटेड अजाब होगा जिसका तसव्वुर नहीं है, उधर क्या है अजाब अनलिमिटेड अजाब होगा और शुक्र भी क्या है कि अनलिमिटेड सवाब होगा जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते, दोनों एक्सट्रीम पे गए सुभान अल्लाह। यह है जबरदस्त चीज, इसके लिए लगे मैंने एक महीना दिया है पूरा जो महीना ये दिया है इस महीने में प्रैक्टिस ही सारी इस चीज की तुम शुक्र गुजार बंदे बन जाओ, शुक्र करना तुम्हें आ जाए प्रैक्टिस ही इसी चीज की है, क्योंकि रूह है दीन की जो ना शुक्र है जो तो ना शुक्र है मफहूमी रोजे का ये है, जब इंसान रोजा रखता है तो क्या है मफहूमी यही है कि शुक्र गुजार बंदा बन गया शुक्र अदा कर रहा है अल्लाह ताला, क्यों कि अल्लाह ने इसको हुक्म दिया है तू ना खा वो नहीं खा रहा फला काम नहीं करना वो नहीं कर रहा, तो नाफरमानी से बच रहे वो नाफरमानी से बच रहा है इस रोजे के अंदर कंप्लीट इंसान, रोजा वो जो है वो कंप्लीट किससे होता है ये खाने पीने का नाम नहीं है रोजा बल्कि नाफरमानी से बचने का नाम रोजा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस पढ़े रिवायत फरमाते हैं कि भाई बाज लोग ऐसे हैं सिवाय भूखा रहने के उनको शाम को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता,
बस ऐसे बस भूखा रह गया और कुछ नहीं। क्यों? वो जिसकी वजह क्या है? वजह ये कि नाफरमानी की उन्होंने रोजे की, ना शुक्री करते रहे अल्लाह ताला की, तो उनको रोजे में क्या मिलेगा? गीबत भी कर ली, झूठ भी बोल लिया, फ्रॉड भी कर लिया, फलां भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, सारे काम साथ साथ करते जा रहे हैं, कहते हैं हम रोजदार हैं। तो फरमाया ये भूखा है, इससे कोई फायदा नहीं इसका। जिसमें सिमों के एक ढाल की तरह है रोजा, तो ढाल को तुम फाड़ दो फट जाएगा। ढाल है यानी क्या? हिफाजत करता है इंसान की, बचाता है जहन्नुम से। जहां नाफरमानी की फाड़ दिया अपने ढाल को तो खत्म, हिफाजत खत्म हो जाती है। तो पूरा रोजा ये क्या सिखा रहा है? शुक्र करना सिखा रहा है कि अगर तुझ, हम कहते हैं अगर रोजदार बनना है तूने शाम को अल्लाह से अपने इनाम लेने हैं, तो इस शर्त पे, इस शर्त पे इनाम देगा कि तूने इस रोजे की नाफरमानी से हिफाजत की है, तब ये तेरा ना खाना पीना जो काम आएगा। माने इस खाने पीने से अल्लाह ताला कुछ, वो तो बीमार ही पड़ेगा अस्पताल में, गए बेचारे खा नहीं सकते हैं, क्या ही बीमार पड़े अस्पताल के अंदर। तो आज मेरा पेट खराब है तो मैं वैसे ही नहीं खा सकता भाई खाना बंद हो गया उसका, ये क्या कमाल हुआ? मरीज भी नहीं खा सकता, तो तू अगर नहीं खा रहा कमाल है, कमाल तो ये है सुभानअल्लाह। ये तो एक एक्स्ट्रा अल्लाह ने कम, अगर वैसे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया तो नाफरमानी ना करो, तो हमें नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ इस महीने में खास कर्म क्या किया है अल्लाह ने, कि अल्लाह ताला ने हमारे नफ्स को और ज्यादा कमजोर करने के लिए हमें थोड़ी देर भूख से रखा है, फाके से रखा है। यहाँ सूफिया कराम कहते हैं कि सबसे बेहतरीन चीज फाका है, फाके से मत डरो। जब तुम देखो ना तुम्हारा नफ्स काबू नहीं आ रहा तो फाके का इस्तेमाल करो। इसीलिए कम, हमारे यहाँ कहा जाता है नक्शपति से कम खाओ कम सो, इंसान बनते हैं। जब कम खाओगे तो कम शहवत कम आएगी, फिर कमाने का ख्याल कम आएगा, शहवतें कम होंगी हमारी, तो ये तो फाका कशी बन जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इनाम दिया है कि ये तेरा ना खाना जो रोक रहा हूँ ये तेरा इनाम बनेगा उस वक्त जब तू नाफरमानी से बचेगा। रोज़ा तो मैं सिर्फ इसलिए दिया है कि चल कि तू नाफरमानी से बचे, इसके लिए प्रैक्टिस 30 दिन की प्रैक्टिस अल्लाह ताला दे रहे हैं हमें कि तुम शुक्रगुजार बंदे बन के निकलना। शैतान ने जो बकवास की थी उस वक्त कि मैं इनको नाशुक्रा करूँगा, उसका जवाब देना है तुमने इस 30 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर, कि देख अल्लाह ताला ने हमें कितनी बेहतरीन चीज़ अता फरमाई है, हम नाफरमानी कर नहीं की हमने इस पूरे महीने के अंदर। तो अल्लाह ताला इस महीने की बरकत से फिर क्या करते हैं कि अगली जिंदगी में, ये प्लान सिर्फ 30 महीने का नहीं दे रहा ताला, बल्कि है कि ये हमें इसलिए बताया जा रहा है कि तुमने इसी तरह सारी जिंदगी गुजारनी है। ये सिर्फ रमजान यही नहीं है कि भाई 30 दिन हमने ये काम करने हैं फिर उसके बाद ख़त्म। कहता नहीं ठीक है, 30 दिन तक तो मैं हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी, शैतान को बंद कर दिया, तुम्हें भूखा भी रख रहा हूँ, प्यासा भी रख रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ नफ्स को काबू करने का सारा, ठीक है ना? तो अब इसी काम को जारी करना है तो जाओ फिर किसी अल्लाह वाले के पास बैठना, वही रमजान वाले काम कराएगा तुमसे। अभी तो रमजान है, अगर तुम नाशुक्री से बचना चाहते हो तो प्रैक्टिस तो अल्लाह ने करा दी 30 दिन में, अब इसको अगर सारी जिंदगी के लिए तो प्रैक्टिस करना चाहते हो, जाओ खानकाह का रुख करना, किसी अल्लाह वाले का हाथ पकड़ना, तो तुम फिर बचोगे, वरना फिर तुम नाशुक्री कर देगा शैतान को, कि उनके पास बड़े हथियार होते हैं, अल्लाह वालों के पास बड़े हथियार हैं, क्योंकि तो इस फील्ड के मास्टर हैं, सर्जन हैं, इसी चीज का इलाज करते हैं। उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोला हुआ है कि भाई हो गया रमजान फारिग हो गया, आ जाओ इधर दाखिला ले लो, ताकि जिंदगी सारा मामूल तुम्हारा फिर वैसे ही चलता रहे, वैसे तुम झूठ ना बोलो, वैसे गिबतें ना करो, वैसे हरामकारी ना करो, वैसे सुबह शाम जाके हाजिरी दो नमाजों में, अपनी ईमान की हिफाजत करो, ईमान की गवाहियां दो कि हम ईमानदार हैं, फिर ये खानकाह में वही माहौल मिलता है। और क्या होता है वो धूम धड़के होते हैं, फिर डांस नमाचे होते हैं, नहीं अल्लाह वाले जो होते हैं उनके पास यही फिक्र और गम होता है, फिर वही दोहराती हैं चीज़ जो रमज़ान आज हमसे करा रहे हैं ना काम, वही खानकाह वाला फिर वही काम उससे कराता है। इसलिए अल्लाह वाले का हर मरीज शुक्रगुजार होता है, उसकी पहली कोशिश ही होती है मैं अपने शेख की बात मानूं, और शेख जो बातें करता है वो सारी वही करता है जिससे बंदा शुक्रगुजार बनता है। मुझे कभी ना शुक्र नहीं होगा किसी शेख का, जो मुरीद होगा ना वो मुरीद बनने गया होगा और सच्चे दिल से गया होगा, पहली दफा हाथ पकड़ते शुक्रगुजार बनता बन जाता है, उससे वादे बोल लेते हो, वादे बोल लेते हैं, जिसे बताए ना सूर्य आप उसमें पढ़े आप बताए क्या सूरत उसमें घूमता है ना, कहते यह नो जाकल मंगना था
मोमिन औरतें आएंगी फिस्ता किस्ता बैत करेंगे, लाइश कुफर ना करना, फला काम ना करना, फला काम ना करना, फलाना काम करना, तो यही तो शेख वादा करता है। तू मेरे पास आ गया अब ठीक है, अब तुम्हें ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम करना, इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है शेख उसकी, फिर इलाज करता है उसका। हस्करू नहीं यस्करू तुम बोला क्या बेहतरीन इलाज बताया अल्लाह ताला ने, बोला कुछ कि भाई क्या करो तुम अल्लाह का जिक्र साथ साथ करते रहो। फस्करू नहीं यस्करू मशकुरी बोला तखरू, ये देखें शुक्र साथ में लाए ना जिक्र के, कितने तो बताए। इसलिए खानकाह में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है, कसरत जिक्र मिलेगा अल्लाह वालों के पास आपको, वो ये शुक्र गुजगार बनने का वाहिद इलाज है जिससे शैतान भागता है। तो साथ में शेख की तरबियत होती है और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र दिया जाता है मामूलात के साथ। लोग आज कहते हैं फजूल काम है, इसमें इसमें क्या रखा है जी, ये क्या करते रहते हैं सूफिया जाते तो बेकार हैं, तो बिदतें कर रहे हैं और तो फला काम कर रहे हैं अपनी। अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, तो दो चीज़ें मिल सकती है आपको, दो चीज़ों में है मौत के मौत से पहले अगर अपनी ईमान की हिफाजत कोई बंदा चाहता है, एक रमज़ान से ही गुजार लो, एक कहाँ मिलता है रमज़ान में मिलता है ईमान से इंसान को, दूसरा किसी शेख की खानकाह में मिलता है, बाकी कहीं नहीं, कहीं हिफाजत नहीं ईमान की हिफाजत को। लेकिन आज तहक ये हो गया कि हम शैतान ने वो दाव किया है इससे निकाल दिया लोगों को, बिल्कुल फारिग कर दिया, किसी की कोई तशखीश नहीं, कितना बड़ा आलिम हो कितना बड़ा मुहदीस हो, ईमान बचाने के लिए उसको ज़ाहिर लाजमी तौर पर किसी शेख के पास जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ये कानून है, वहां से इंसान पर जाकर सही इंसान इंसान बनता है। तो ऐसी चीज़ नहीं है अल्लाह ने हमारे इंतजाम नहीं किया, हम खुद ही उसका दवा को इस्तेमाल ही ना करें तो फिर बीमार होंगे ही ना होंगे इंसान, दवाएं तो हैं अल्लाह ने दी हमें, शैतान के पास तो ताकत है, हमें बीमार करेगा नाशुक्री कराएगा, लेकिन अल्लाह ने बड़े इंतजाम किए हैं, बहुत इंतजाम किए, क्यामत तक चलेंगे अल्लाह वाले इंशाल्लाह, क्यामत कोई दज्जाल का फितना काम नहीं चलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह वाले जो हैं पूरे इंतजाम के साथ लेस होते हैं हर वक्त, जो अल्लाह हिफाजत करते हैं अपनी पूरी तरीके से। ठीक है भाई इंसान है, गलती हो जाती है, तरीके उनके पास नादिम हो जाते हैं, अल्लाह वाले के पास बैठने वाला तरीका होता है कि जो अल्लाह के पास नहीं जाते वो नादिम ही नहीं होते, यार क्या हुआ गलती हो गई, चलो ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो सूफी होगा, जो अल्लाह वाले के पास बैठने वाला होगा, जो कोई किसी का मुरीद होगा, उसमें क्या होगा, गुनाह होने के बाद नादिम होता है, वो इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ने वादा किया कि इस्तग़फ़ार पे फौरन में गुनाह को ख़त्म कर देता है, तौफीक इस्तग़फ़ार तौफीक उसके पास मौजूद होती है उस चीज़ की, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो भाई इसमें वक्त लगाना पड़ता है इंसान को किसी अल्लाह वाले के पास हो ही जाए ज़िंदगी में, पहले इसका तरीका ये है कि आप अपने इस्तखारा करें, अल्लाह कोई अच्छा इंसान मुझे दे ताकि अपनी सलाह के लिए उस इंसान के पास जाऊँ, अकीदा अपना सही करूँ, अपनी इबादत सही करूँ, अपना ताल्लुक़ अल्लाह सही करूँ, अपने अकायद सही करूँ, तो फिर इंशाल्लाह जाकर उसके अकीदे सही होते हैं और इंसान बन जाता है। तो ये है रमज़ान भाइयों, जो रमज़ान को ऐसी ना समझें आप, खाने पीने वाला चक्कर नहीं है, इस बहुत ऊंचे पैगाम लेकर आया है। सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इंसान को शुक्रगुजार बंदा बनाता है रोज़ा, जो है ना शुक्रगुजार बंदा बनाता है। शुक्र से मुराद क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, नहीं शुक्र शुक्र का तरीका क्या है कि अल्लाह सुभाना तआला की नाफरमानियों से बचाता है, बचाता है रोज़ा नहीं बचाता, इस तरह फिर इंसान जब शाम तक रोज़ा रखता है तो फिर नाफरमानी नहीं करता, वो शुक्रगुजार बंदा बन जाता है, और जब नाफरमानी करता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह फिर सारी ज़िंदगी के इंसान का मामला है, 30 दिन के लिए थोड़ी इंसान मुसलमान होता है, 30 दिन तो मस्जिदें हमारी भरी होती हैं कि तो अल्लाह हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं, ओवरहॉलिंग करा रहे हैं, हमने क्या किया कि बस रमज़ान तक महदूद कर लिया अपने आप को, हम लोगों ने अपने आप को रमज़ान तक, बस ये काम रमज़ान में कर रहे हैं, बस ये रमज़ान चला जाए फिर इंशाल्लाह करेंगे, रमज़ान चला जाए फिर वो होगा, रमज़ान चला ये हो जाए, ये मतलब कि रमज़ान तक ही हमारा ईमान है, ये तो अल्लाह का करम है, एहसास दिला दिया हमें, पूरे एक साल जो हमने गुनाह किए थे हमने गुनाहों को धो दिया, एहसास दिला दिया कि तुम गलत ज़िंदगी गुजार रहे थे, कितना बड़ा एहसास दिलाया है कि असल ज़िंदगी मोमिन की ये है जो रमज़ान वाली है,
जिसमें गुनाह नहीं होते, जिसमें नमाजें चलती हैं, जिसमें कुरान चलता है, जिसमें बाह बाग लोग जाते हैं, तो हाई दर्जे पर उसने नमाज की कदर बताई है अल्लाह ताला ने। नमाज की और कुरान की कितनी ऊंची कदर बताई है। मोमिन की जिंदगी क्या है, इस तरह जिंदगी होनी चाहिए। आप हम तो फर्ज से भागते हैं, अल्लाह कहता है कि नहीं, हकीकत जिंदगी ये है कि इस तरह नवाफिल अदा करें तुम। तो अल्लाह ताला ने ये काम कर दिया, देखे रोजा फर्ज कर दिया, उसको सुन्नत मौकदा कर दिया है। राबियों को लाजिम है पढ़ना, और उसमें लाजिम है कि कुरान है। सुभान अल्लाह, सारी उम्मत, सारी इमाम, सारी दुनिया मानती इस बात को, ये सुन्नत मौकदा है, तराबी पढ़ने जा। और जनाब क्या इसमें क्या चीज रखी, अल्लाह नाफरमानियों से, मोमिन की जिंदगी ये कि नाफरमानियों से बचे और उसका मुकम्मल तौर पर ताल्लुक जो हो इबादात के साथ हो, जिसमें टॉप किस्म की इबादत कौन सी है, कुरान और नमाज। जी है मोमिन की जिंदगी एक नमूना बताया। हम 30 दिन तो कर लेते हैं, तराबी भी पढ़ लेते हैं, कुरान भी खत्म कर देते हैं, पर जैसे ही रमजान गया कुरान भी बंद हमारी, नमाजें भी बंद हमारी, फिर वही दुनिया निकल आई, फिर बेहाई निकल आई, फिर फसूल चीज़ें निकल आई। बिल्कुल नहीं, ये रमज़ान वाली ज़िंदगी बताएगी मोमिन की ज़िंदगी है। सारी ज़िंदगी हमारी ये होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानअल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अला सिफ़ात। اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسلم لنا اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وأنت ما أسرفت وما تعلمت اللهم ظلمت نفسي ظلما صلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله